हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रॉनिक गैलेक्सी में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास सैमसंग का टीवी है जो कि ये एक बार एलईडी ब्लिंक करके बंद होता है। इसमें प्रॉब्लम था कि पहले ये एसटीआर उड़ा हुआ था, मैंने एसटीआर चेंज करने के बाद ये प्रॉब्लम आया कि जो कि एक बार एलईडी जलता है उसके बाद ब्लिंक करके बंद होता है। तो चलिए फ्रेंड, हम इसी टॉपिक पे एक वीडियो बनाया है जो कि एक बार एलईडी जो कि एसटीआर खराब था और एसटीआर बदलने पर एक बार एलईडी ब्लिंक करता है उसके बाद बंद होता है। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप इजीली रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसे कि आप देख पा रहे थे, ये मेरे पास जो किट था, जो कि इसका प्रॉब्लम था, ये एसटीआर इसका पर एसटीआर था जो कि ख़राब हो गया था। तो इसमें एसटीआर चेंज मैंने इसमें एसटीआर चेंज कर दिया, फिर भी इसमें प्रॉब्लम जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो एसटीआर को चेंज करना, फिर भी ये शॉर्ट रखता है। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, इसमें शॉर्ट रख रहा था। तो एसटीआर चेंज करने के बाद तो मैंने इसमें इसका आउटपुट भी निकाल दिया, पर फिर भी ये शॉर्ट करता, बस एक बार एलईडी ब्लिंकिंग करके उसके बाद बंद हो जाता। तो चलिए फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे थे, मैंने इसका पावर डिस्चार्ज करके फिर उसके बाद आपको हम चेक करके दिखाते हैं कि एक बार ब्लिंकिंग करके उसके बाद बंद हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड, उसके बाद मैं इसमें लाइन पावर दे रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे थे, तो जैसे कि आप देख पा रहे, चलिए मैं इसमें हम लाइन देके आपको हम चेक करके दिखाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे, एक बार ब्लिंकिंग करता है, फिर उसके बाद ब्लिंकिंग नहीं करता है। उसके बाद हमको इसमें डिस्चार्ज करने के बाद, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डिस्चार्ज कर देने के बाद उसके बाद फिर इसको हम पावर में देने के बाद, पावर देने के बाद फिर एक बार ब्लिंकिंग करके उसके बाद बंद हो जाता है। तो फ्रेंड, अगर आपका भी इस तरह प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इसे इजीली आप ठीक कर सकते हो, वो भी बिल्कुल 2 मिनट में। एसटीआर लगाने के बाद आपका भी या एक बार ब्लिंकिंग करके आपका बंद हो जाता है तो आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है, जो कि ये रेजिस्टेंस ख़राब हो जाता है तो ही इस तरह प्रॉब्लम करता है। तो चलिए फ्रेंड, उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपको, चलिए हम, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस ख़राब हो जाता है तो एक ही बार ब्लिंकिंग करके उसके बाद बंद हो जाता है। चलिए फ्रेंड, इसमें हम दूसरा रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इसे दूसरा बोर्ड से रेजिस्टेंस खोल लिया। इसमें हम लगाएंगे 122K का रेजिस्टेंस है, देख सकते हैं ये, इसमें 122, इसमें 200K का भी रेजिस्टेंस आप लगा सकते हो, तो देख सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे थे, ये एसटीआर मेरा ख़राब था तो जिसकी वजह से मेरा शॉर्ट कर रहा, तो एसटीआर बदलने के बाद ये मेरा एक बार ब्लिंकिंग करता है उसके बाद बंद हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड, उसके बाद इसका मैंने इसका आउटपुट खोल चुका हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे, आउटपुट खुला हुआ है। तो चलिए फ्रेंड, इसका हम पहले रेजिस्टेंस आपको चेंज करके उसके बाद हम आपको चेक करके दिखाते हैं। तो इसमें हम 122K का रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, रेजिस्टेंस लगा कर आपको हम चेक करके दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने इसमें रेजिस्टेंस लगा चुका हूँ। तो चलिए फ्रेंड, उसके बाद हम किट आप पलटा कर आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने रेजिस्टेंस चेंज कर चुका हूँ। तो चलिए फ्रेंड, उसके बाद हम आपको लाइन दे के आपको चेक करके दिखाते हैं कि मेरा पावर सप्लाई दे के काम करता है कि नहीं। तो चलिए फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने लाइन दे रहा हूँ। तो पहले एक बार ब्लिंक करके उसका बंद हो जाता है। तो देख पा रहे हैं, ये मेरा ऑन हो गया, किट चालू हो चुका है। तो पहले एक ही बार जलता था, आप देख पा रहे हैं लाइन देने पर ये किट चालू हो गया। तो चलिए इसमें हम आउटपुट लगा लेते हैं। तो जो आउटपुट मैंने खोला था, ये आउटपुट हम लगा के उसके बाद हम आपको चेक करके दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कंप्लीट हो चुका है। चलिए फ्रेंड, उसके बाद हम इसमें ट्रांजिस्टर भी लगा लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड, उसके बाद आपको लाइन देके आपको चेक करके दिखाते हैं कि ये। तो चलिए फ्रेंड, उसे हम सीरीज लाइन में आपको लगा के चेक करके दिखाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लाइन में लगाने के बाद ये मेरा ESD बनने लगा है। तो चलिए फ्रेंड, उसके बाद हम मैं लाइन में आपको लगा के चेक करके आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरा TV ऑन हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड, आपको हम पिक्चर चला दिखाते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पिक्चर लाइट आ चुका है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप देख पा रहे थे, मेरा अगर आपका ESTR ख़राब हो जाने के बाद, आप ESTR नया लगाने के बाद अगर आप
आपका एक बार जल के बंद हो जा रहा है, या आपका कभी जलता है और हल्का इंडिकेट करके फिर बंद हो जाता है, तो फ्रेंड तो ये रेजिस्टेंस चेंज कर देना है। उसके बाद ये आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें ट्रांजिस्टर लगा के 1803 लगा के आप चालू कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आपको ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। चलिए उसके बाद आपको हम वीडियो चला के आपको दिखाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं किट सेट करूँ, चलिए उसके बाद आपको फ्रेंड हम वीडियो चला के आपको अब दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम इसमें एवी कोड लगा लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं एवी कोड लगाने के बाद, एवी लगाने के बाद वीडियो आ चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।